दोस्तों आज की कहानी है बुआ जी। आपको अपनी भाभी की खुशियाँ अच्छी क्यों नहीं लगती? दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दिवाली की वो रात खुशियों की रात थी, मुझे आज भी याद है जब माँ हम सब के लिए मिठाई की थाली सजा रही थी और पापा बड़े प्यार से माँ के लिए सोने की सैन लाए थे जो सुबह से माँ को पहना रहे थे। वह खुशी कभी कभी ही माँ के चेहरे पर दिखती थी, पर उस दिन भी बुआ जी ने उस पर ग्रहण लगा दिया था। गौरव अपनी पत्नी नर्मदा से कहता है, नर्मदा बोली क्या हुआ हुआ था उस दिन और क्या। इसी वजह से जब भी बुआ जी आती हैं माँ गुमसुम और उदास रहती हैं। ये तो गलत बात है, अगर मम्मी जी ही घर में खुश नहीं होगी तो हम सब की खुशियाँ तो फीकी हो जाएगी। गौरव बोला, ये तुम्हें लगता है पर बुआ जी को लगता है कि आज भी इस घर पर पहला हक उनका और माँ पराई है, तुम्हें पता है। इसी वजह से पापा ने कभी माँ को कोई उपहार नहीं दिया। उस दिवाली की रात पापा पहली बार माँ के लिए कुछ लाए थे। जब वो माँ को सेन पहना रहे थे तो पीछे से बुआ जी देखी और दादी के सामने माँ पापा कितनी बातें सुनाई। उस रात भी मेरी माँ बहुत रोई थी, इसलिए मुझे बुआ जी बिल्कुल पसंद नहीं है। नर्मदा बोली, अब परेशान ना हो, इस दिवाली मम्मी जी के चेहरे पर बस मुस्कुराहट होगी। मैं बुआ जी को मौका ही नहीं दूंगी कि वह हमारी खुशियों की रात को गम में बदलाव। इतना कहकर नर्मदा अपनी सास के पास चली गई। नर्मदा की सास कल्पना जी सूप साफ दिए की बाती बना रही थी। नर्मदा बोली, मम्मी जी दिए की बाती तो हम सब मिलकर बनाएंगे, फिर आप यहाँ अकेली क्यों बैठी है? चलिए हम सब के साथ मिलकर बैठिए, ये त्यौहार अकेले आपका नहीं पूरे घर का है, फिर जिम्मेदारी अकेली क्यों उठाएगी? इतना कहकर जबरदस्ती कल्पना जी को हॉल में सबके पास लेकर गई। कल्पना जी को देखते ही उनकी न कामिनी जी बोली, ये क्या कल्पना, क्या पूजा की तैयारी हो गई जो तुम उठकर यहाँ आ गई? कल्पना जी बोली, अरे नहीं दीदी, मैं तो वही कर रही थी पर बहू मुझे जबरदस्ती यहाँ आप सबके पास ले आई। कामिनी जी बोली, ये तो ना समझे, क्या तुम्हें भी समझ नहीं सास बन गई हो, पर लक्षण तुम्हारे वैसे के वैसे ही है। नर्मदा बोली, बुआ जी छोटा मुँह बड़ी बात, मैं कोई ना समझ नहीं हूँ और जब त्यौहार में सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं तो त्यौहारों की जिम्मेदारी बस मम्मी जी अकेले क्यों उठाएंगे? गौरव बोला, हाँ हाँ माँ हमारे साथ बैठो, तुम सब मिलकर दिए की बाती तैयार करेंगे। कल्पना जी अपने पति मनोहर बाबू की तरफ देखी, हुआ ने मुस्कुरा कर उन्हें बैठने को कहा। कल्याणी जी बोली, अभी माँ को गुजरे हुए 2 साल नहीं हुए कि इस घर के नियम कानून बदल गए। गौरव बोला, बुआ जी कौन सा नियम और ये नियम किसने बनाए थे? क्या ये नियम बनाने से पहले माँ और पापा से पूछा गया था? कल्याणी जी चुप हो गई। नर्मदा बोली, बुआ जी त्योहारों की खुशियाँ मनाने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती है, एक दूसरे की खुशियों के लिए अगर कुछ नियम तोड़ने भी पड़े तो उसमें कोई हरज नहीं। क्यों पापा जी, मैं गलत कर रही हूँ? मनोहर बाबू मुस्कुराते और अपने पुराने दिनों को याद करते। 2 दिन बाद दिवाली की खुशियाँ भरी रात थी, पूरा परिवार इकट्ठा था। गौरव बार बार मनोहर बाबू को कुछ कह रहा था और वो इनकार कर रहे थे। कामिनी जी बोली, क्या बात है मनोहर, तुम्हारा बेटा ऐसा क्या बोल रहा है जो तुम उसकी खुशी के लिए नहीं कर सकते? गौरव बोला, देखो पापा बुआ जी भी मेरी तरफ है, चलिए अब दे भी दीजिए। मनोहर बाबू बोले, आप कह रही हैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ, बाद में कुछ मत कहना। और वह कल्पना के पास गए। कल्पना जी दिए की लो को जलाती थी, किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। मनोहर बाबू ने एक सुंदर सा मंगलसूत्र कल्पना जी को पहनाते हुए कहा, कल्पना ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दिवाली का उपहार है।
कल्पना जी की आंखें भर आई और उन्हें सालों पुरानी अपनी दिवाली की खुशियां भरी रात याद आई, जिस रात उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कामिनी जी बोली, मनोर ससुर बन गए हो पर तुम भी सबक नहीं सीखे, याद है ना वो रात। तभी नर्मदा सामने आई और बोली, बुआ जी क्यों खुशियों की रात में दुख को याद करना, और क्या सबके सहरे की खुशियां आपको अच्छी नहीं लगती, मेरे लिए मेरे सास ससुर के सहरे की खुशियां हर त्यौहार से बढ़कर हैं, तो आपसे आग्रह करूंगी कि कोई ऐसी बात ना करे जो खुशी गम में बदल जाए। उस वक्त तो कामिनी जी खामोश हो गई, पर उनकी खामोशी से कल्पना और मनोर चिंतित थे। अगले दिन कल्पना ने अपनी परेशानी बहुत से साझा की। नर्मदा बोली, मम्मी जी बड़ी की इज्जत मन से की जाती है, मन को मारकर हम बड़ों की इज्जत नहीं बल्कि उनका अपमान ही करते। बुआ जी को भी अब समझना होगा, जहाँ उनके अपने बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया, वहाँ अगर हम उन्हें घर का सदस्य मानते हैं तो उन्हें भी हमारी खुशियों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना उनके बेटे और बहू हमें क्या फर्क रह जाएगा। अपनी आदत के अनुसार दूर दरवाजे पर कांग लगाई। कामिनी जी ने जब ये सब सुना तब उन्हें एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी के ऐसे व्यवहार के कारण ही उनके अपने बच्चों ने उन्हें उनके ही घर से अलग कर दिया। अब यहाँ जब उन्हें परिवार का सुख मिल रहा है तो क्या वह अपना व्यवहार नहीं बदल सकती। यही सब सोचते हुए कामिनी जी ने अपना कदम बढ़ाया। जब कामिनी जी सामने आई तो कल्पना जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आइए दीदी आप वहाँ दूर क्यों खड़ी हैं, आइए हम सब के साथ बैठिए। मैं बहू की बातों के लिए आपसे शर्मिंदा हुई, इसे अपनी बच्ची समझकर माफ कर दीजिए। कामिनी जी सर झुकाए बौझील आवाज में बोली, कल्पना मैं इस घर से कब की विदा हो जा चुकी थी, पर तुमने मुझे कभी पराया नहीं समझा। उस रात और इस दिवाली की रात भी मैं गलत हूँ, तुम्हारी बहू ने सही कहा, खुशियाँ भरी रात में दुख को याद नहीं करते। मैं ना समझो अपने दुखों में दूसरों की खुशियों में भी आग लगाती रही, हो सके तो तुम सब मुझे माफ कर दो। नर्मदा आगे बढ़कर बोली, अरे बुआ जी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि आपकी इस घर की नहीं है, बेटियां तो सबसे पहले मायके की होती हैं बाद में बहुए, क्यों मम्मी जी। कामिनी जी को अपनी हर भूल का एहसास हो चुका था, हर किसी ने खुले दिल से उनका स्वागत किया तो उन्होंने भी अपने मन के मैल को उसी दिन खत्म किया। मनोर जी को अपनी पत्नी को उपहार देने से पहले लोगों की नजरों को देखना नहीं पड़ता था, और कल्पना जी भी अब खुलकर मुस्कुराती थी और खुशियों के हर त्यौहार को अपने घर परिवार के साथ मनाती थी। कामिनी जी को अपने बेटे बहू के लिए दुख होता था, पर जियो ने उन्हें अपना माना हुआ उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती थी। दोस्तों ऐसा क्यों होता, जब किसी का मन दुखी होता है तो सामने की खुशी भी उसे अच्छी नहीं लगती है, फिर अपने कठोर वचनों से वह दूसरों की खुशियों को भी दुख में बदल देता। अपनी दुखों से ऊपर उठिए और जो सम्मान से खुशियां आ रही है उसका स्वागत कीजिए।